आज का वीडियो है जो SSC GD के ऊपर है, एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी दूंगा वो ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट में जो मैसेज आया है उसके ऊपर डिपेंड करके मैं अपडेट दूंगा, ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों का ज्वाइनिंग कब होने वाला है, आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है, और कौन से फोर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉटमेंट आया है उसके बारे में बात करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। पहले बात, जो आप लोगों का जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा, अभी कुछ लोग बता रहे हैं अगस्त के इस महीने में आ जाएगा। आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो अगस्त के लास्ट में आ जाएगा आपका रिजल्ट, क्योंकि जो मैसेज भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि SSB का जो ट्रेनिंग शेड्यूल का जो लिस्ट है वो ऑलरेडी आ गया है। जो आप लोगों का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है वो अक्टूबर से होने वाला है, जो 2022 SSC का कैंडिडेट है। तो अगर अक्टूबर से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो रिजल्ट कब तक आप लोगों का आ जाएगा और अपॉइंटमेंट लेटर कब तक आ जाएगा आप लोगों को खुद को पता अंदाजा होगा कब तक आएगा। क्योंकि देखो, जब अभी 2021 में जो रिक्वायरमेंट हुआ था रिजल्ट के तुरंत बाद ही अपॉइंटमेंट आ गया था, इसलिए इस बार भी ऐसा ही होगा। क्योंकि इस बार भी, क्योंकि 2021 में थोड़ा वैकेंसी कम था, इस बार वैकेंसी ज्यादा है। हर एक फोर्स का जब कैंडिडेट ज्यादा होता है उसमें ट्रेनिंग सेंटर का भी वो अलॉटमेंट होता है कैंडिडेट के ऊपर। तो SSB का अलॉटमेंट हो गया, CISF का भी हो गया, CRPF का भी हो गया, BSF का भी हो गया। सो अगर अभी जो SSB का जो अलॉटमेंट होगा उसका डेट मैं बता दिया, अभी CRPF CISF का भी वो डेट मेरे पास नहीं आया है, बट वो जो फेस मैसेज है वो मेरे पास है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा किस तरह से क्या क्या लिखा है उसमें अलॉटमेंट। और आप लोगों का जो रिजल्ट, कुछ मैं वीडियो में देखा, बहुत से कैंडिडेट कमेंट करता है, बोलते सर अभी रिजल्ट कल आएगा परसों आएगा, ये टोटली फेक है, कल परसों रिजल्ट आने वाला नहीं है। और जो वैकेंसी अगर इंक्रीज होगा, वैकेंसी इंक्रीज का जो मैटर है, बहुत से यूट्यूबर बोलता है वैकेंसी इंक्रीज हो, अगर वैकेंसी इंक्रीज होता है तो रिजल्ट के एक दिन पहले अगर रिवाइज वैकेंसी अगर आ जाता है, क्योंकि एक नोटिस तो आएगा उसमें आप लोगों को मिल जाए कितना कैंडिडेट क्वालिफाई किया है मेडिकल में, कितना कैंडिडेट डिसक्वालीफाई किया है, उसका एक नोटिस भी आ जाएगा आप लोगों का SSC ऑफिशियल वेबसाइट में या CRPF के वेबसाइट में आ जाएगा आएगा। और आपका जो अगर वैकेंसी इंक्रीज होता है तो एक नोटिस आएगा, उसमें वैकेंसी रिवाइज लिखा होगा। अगर वैकेंसी घट भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, बट घट नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है टेंटेटिव लिखा होता है SSC GD का जो वैकेंसी निकलता है, बट घट नहीं जाता है, इंक्रीज ही होता है। क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज इसलिए होगा, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत से वैकेंसी खाली है, क्योंकि बहुत रिटायरमेंट चला गया, बहुत कैंडिडेट छोड़ के भी चला जाता है। सो इसलिए बहुत वैकेंसी खाली है SSC। इस बार जो आप लोगों का लास्ट टाइम वैकेंसी होने वाला है, आप लोग याद रखना 62 या 60,000 रिजल्ट से पहले आप लोगों का वैकेंसी हो जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो 60,000 वैकेंसी का ही रिजल्ट बनेगा। अभी बहुत कैंडिडेट डाउटफुल है कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद भी, सबका मन में एक ही बात है, बोल रहे सर कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोगों को पता है जितना वैकेंसी है इतना कैंडिडेट बुलाया गया है, दो एक वैकेंसी के अगेंस्ट दो कैंडिडेट बुलाया गया है। आप लोगों का हर स्टेट में आप देखा जाए तो यही रेशियो है, उसमें रेशियो में तो आप लोगों को पता है उसमें डिसक्वालीफाई भी बहुत कैंडिडेट होगा। अगर लास्ट तक आप लोगों का कॉम्पिटिशन अगर होगा तो 1.50, 1.40, 1.30 इतना तक आप लोगों का कंपटीशन होगा। क्योंकि फिजिकल में जो DME का कट ऑफ आया था उसमें 8 कैंडिडेट में 6 कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया गया, इसलिए हर एक स्टेट का किसी का 10 मार्क ज्यादा चला गया, किसी का 11, किसी का 12, ऐसा ऊपर चला गया था कट ऑफ, कि लास्ट बार आप लोगों को पता है ऊपर नहीं जाएगा। सो जिसका भी मार्क 3-4 है फिर भी आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों का 100 to 10% नाम आ जाएगा। आप लोग मन में डाउट मत रखना, जो फिजिकल में भी ज्यादा चला गया था, DME भी ज्यादा चला गया था, इस मन में डाउट मत रखना। क्योंकि इस बार का जो
लास्ट तक का काट ऑफ आप खुद निकल सकते हो आप रेशियो करके। ऐसा नहीं है लास्ट में किसी दूसरा कैनिस्टर का कैंडिडेट आखिर घुस जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। आपका जो काट ऑफ जाएगा वो काट ऑफ लो जाएगा। अभी बात करता हूँ आप रिजल्ट का। अब SSB का जो आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, जो ट्रेनिंग सेंटर रेडी हो चुका है, हर एक ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना। अगर किसी आपका रिश्तेदार फोर्स में हो, SSB में हो, उनसे कॉल करके पता कर लेना। हर एक ट्रेनिंग सेंटर रेडी हो चुका है। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर लगभग 10 डेज हो गया हम लोग रेडी कर दिया, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग को वर्किंग था इसलिए। और जो हमारे डिपार्टमेंट में जो मैसेज आया उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को ये वीडियो लेके आया। सो रिजल्ट का जो कंफ्यूज बहुत से यूट्यूबर करता है, उस कंफ्यूज में मत रहो। आपका रिजल्ट अगस्त के लास्ट में आ जाएगा। अगर अगस्त में लास्ट में नहीं आए तो सेप्टेम्बर का 1-2 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर सेप्टेम्बर का लास्ट से ही आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आप लोगों का ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों का ट्रेनिंग इस साल में ही आप लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, 0 वीक शुरू हो जाएगा, 2-3 महीना 2023 में ही चला जाएगा। उसके बाद 2024 में आप लोगों का लास्ट तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, घर में आराम से रहो। जिसका भी जितना मार्क है आप डिप्रेशन में मत रहो, रिजल्ट आने दो, 100 और 10% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन अभी इतना नहीं है। सो आज का वीडियो यही था। जय हिंद।